हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन आर्मी 12126 में। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीन मुकाबले पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद विशाखापट्टनम और राजकोट में टीम इंडिया ने शानदार तरीके से इंग्लैंड को हराकर अब सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जसप्रीत बुमराह इस मैच से बाहर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें आराम दिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि अगर जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा तो क्या टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी। रांची में ये चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से खेला जाएगा। बिना बुमराह क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सीनियर प्लेयर और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह का इस मैच में ना होना, चौथे मैच में ना होना बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है चला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब जब भी आया विकेट आई है और बुमराह का ना खेला एक तरीके से टीम इंडिया के लिए संकट के बादल भी छा जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से मैच को आगे बढ़ाना है तो आपको एक अच्छा स्टार्ट देना होगा। थर्ड मैच में दिल जीता है टीम इंडिया के बैट्समैन ने, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, एक पूरी टीम कॉम्बिनेशन नजर आई है जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, बल्लेबाजी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर जसप्रीत बुमराह चिराग चौथे मैच में नहीं होते हैं तो ड्रॉबैक कई सारे हो जाएंगे टीम इंडिया के लिए। चौथा मैच जीतना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड की टीम मजबूत है और यहां से उनको कमबैक किस तरीके से करना है इंग्लैंड बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहां पर बुमराह नहीं होंगे तो टीम इंडिया किस तरीके की कॉम्बिनेशन में उतर सकती है चौथे मैच में? डेफिनेटली हर बार हमने देखा है कि बुमराह ने वो स्टार्ट दिया है और जैसे चिराग ने कहा कि ब्रेक थ्रू जो दिए बुमराह ने वो कहीं ना कहीं टीम के लिए बहुत मायने भी रखता है कि पार्टनरशिप को तोड़ना सबसे बड़ी चीज होती है। हमने देखा है कि इंग्लैंड की टीम ने कमबैक किया है, सेकंड मैच में भी हमने देखा है कि भले टीम इंडिया जीती है लेकिन फिर भी वो जीत कहीं ना कहीं चुभती भी थी टीम इंडिया के लिए चिराग, क्योंकि वहां से कमबैक करना इंग्लैंड की टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने जिस दबाव में इंग्लैंड की टीम को डाला है, चौथे मैच के लिए टीम इंडिया यही चाहेगी कि वो दबाव बना रहे क्योंकि सीरीज अपने नाम करनी है और बुमराह का ना होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। बुमराह ने जिस लेवल गेंदबाजी की हर मैच में हमने देखा कि चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, तीसरे मैच में भी जड्डू ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बुमराह ने वो पार्टनरशिप ब्रेक की है और जब जब विकेट नहीं आया है तब तब रोहित शर्मा ने बुमराह को वहां पर लाया है। और बुमराह अगर नहीं खेलते हैं चौथा मैच तो डेफिनेटली टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये कहा जा रहा था चिराग की रविचंद्रन अश्विन जो कि तीसरे मैच में थोड़े मैच के लिए नजर नहीं आए थे अश्विन, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वहां पे बाकी के और गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन बुमराह ने हर बार इंप्रेस किया। तीनों मैच में हमने देखा है कि बुमराह एक अच्छी लय में नजर आ